नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 में बोले संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, समाज में भक्ति और शक्ति दोनों की आपूर्ति करने का काम करे मंदिर, समाज की चिंता को दूर करने वाला हो मंदिर। राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की नागपुर में बैठक जारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा पर जताई चिंता। उत्तराखंड के रुद्रपुर में संपन्न हुआ सेवा भारती किशोरी विकास एवं वैभव प्रशिक्षण शिविर, किशोरियों को दी संस्कारित होने एवं आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा। रामायण सीरियल में माता सीता का रोल निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया पहुंची अयोध्या, भगवान श्री राम के किए दर्शन, बोली देश हो रहा है सनातनी। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में इटली ने किया शहीद स्मारक का अनावरण, इतालवी अभियान में शहीद हुए थे 5000 से अधिक भारतीय सैनिक। दुनिया के 151 देशों में भारतीय लाल चावल की मांग, पश्चिमी यूपी में होता है सबसे अधिक लाल चावल का उत्पादन और यहीं से होता है रिकॉर्ड निर्यात। दुनिया के 22 देशों ने रुपए में कारोबार के लिए भारत में खोला खाता, भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी पर नजर, खाता खुलवाने की प्रक्रिया में कई और देश। यूपी के कानपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले हिजबुल आतंकी रियाज अहमद के ठिकाने पर NIA का छापा, रियाज अहमद पर घोषित था 3 लाख का इनाम। यूपी के प्रयागराज जंक्शन सहित प्रदेश के 5 स्टेशनों पर मिलने लगा है 20 रुपए में भरपेट भोजन, गरीब यात्रियों को कम लागत में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है योजना का उद्देश्य। यूपी के महोबा से मदरसे पर आई है बड़ी खबर, जांच के दौरान पोर्टल पर 11 मदरसों के बच्चों का डेटा शून्य, समाप्त होगी मान्यता। आज के समाचारों में बस इतना ही, हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।